नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। राज्य सरकार ने शनिवार शाम एक बार फिर से 50 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की, जिसमें एक बार फिर से धौलपुर एसडीएम को बदला गया। भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में तीसरी बार धौलपुर को नए एसडीएम मिला है। 50 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में सैपो एसडीएम साधना शर्मा को धौलपुर एसडीएम लगाया गया, वहीं धौलपुर एसडीएम मिथिलेश कुमार को लाडनू नागर भेजा गया। सरकार बदलते ही पहले तबादला सूची में धौलपुर एसडीएम मनीष कुमार को हटाकर भारती भारद्वाज को लगाया गया था। इसके बाद दूसरी तबादला सूची में भारती भारद्वाज को हटाकर मिथिलेश कुमार को धौलपुर का एसडीएम लगाया दिया गया था। एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई तबादला सूची में धौलपुर एसडीएम मिथिलेश कुमार को हटाकर सैपो एसडीएम साधना शर्मा को धौलपुर एसडीएम लगाया गया है। वहीं सैपो में एसडीएम का पद रिक्त रखा गया है। अवैध हथियारों के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 1 पिस्तौल और देसी कट्टा बरामद। अपराध की दुनिया में कमाना चाहते थे नाम। डीएसपी की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर के 2 देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए दोनों युवक हथियारों की दम पर अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि डीएसपी टीम इंचार्ज योगेश तिवारी ने उन्हें सूचना दी थी कि 2 युवक काजीपुरा मोड़ पर अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई, जहां डीएसपी और पुलिस की टीम ने मिलकर अवैध हथियारों के साथ 2 युवक को दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि तलाशी के दौरान एक युवक शिवकांत उम्र 23 साल पुत्र रमेश भगेल निवासी गढ़रपुरा के पास से 32 बोर की पिस्टल के साथ 32 बोर के 4 कारतूस से लोडेड मैगजीन मिल गई है। वहीं दूसरे युवक राधाचरण उर्फ छोटू भगेल उम्र 26 साल पुत्र बंगाली निवासी न्यू सेरगढ़ की तलाशी में पुलिस को 315 बोर के 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस मिल गए हैं। अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि दोनों आरोपी शौकिया तौर पर अपने साथ हथियार रखते थे। हथियारों की दम पर दोनों अपराध की दुनिया में नाम बनाना चाहते थे। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर श्री रावत प्रकाश जी द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसी के तहत में कल जिला धौलपुर की सदर टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय ज्योति उपाध्याय जी के निर्देशानुसार थाना सदर की टीम साथ में मिलकर के और ये जो काजीपुरा मोड़ इलाका थाना सदर का पड़ता है, वहाँ से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार मिले हैं, जिनमें 1 पिस्टल है और 2 कट्टे अड्डे टाइप के हैं और राउंड, और ये जो जिनको हमने गिरफ्तार किया है मुजरिमों के नाम है शिवकांत उत्तर रमेश जाति भगे, ये जो आंगे का रहने वाला है गडरपुरा का रहने वाला आंगे थाने का है, और एक है राधाचरण पिताजी का नाम है बंगाली जो अपने पुराना शहर थाना कोतवाली का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार करके और इनसे हथियारों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और इनसे पूछा गया है कि हथियार कहाँ से लाए थे, किसको ये किस उद्देश्य से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि हमें ये गैंग बना करके और यहाँ पब्लिक में भय बना रहे, ऐसी हम हमारी इच्छा थी। उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है और जो भी अग्रिम सुनवा बता दी जाए। धौलपुर जिले के 55 पेट्रोल पंपों पर हड़ताल का असर नहीं दिख रहा। बार बार हड़ताल से परेशान हो चुके धौलपुर जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। धौलपुर जिले में सभी पेट्रोल पंप खुले हैं। हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव जयंत मोदी ने बताया कि पहले भी कई बार हड़ताल की जा चुकी है, लेकिन हड़ताल का कोई भी असर सरकार पर नहीं हुआ।
हड़ताल के चलते जहां आम लोग परेशान होते हैं तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि धौलपुर के एक और उत्तर प्रदेश तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा है। अगर धौलपुर जिले में हड़ताल रखी जाती है तो जिले के लोग दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवा कर आ जाते हैं, जिससे धौलपुर जिले में हड़ताल का कोई असर नहीं दिखाई देता। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर में हुई सभा में जल्द ही पेट्रोल डीजल सस्ता होने का आश्वासन दिया। ऐसे में उन्हें मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी आह्वान पर राजस्थान में अगले 48 घंटे तक पेट्रोल पंप पर हड़ताल रहेगी। धौलपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया, जिसके चलते सभी पेट्रोल पंप खोले हुए हैं। मोदी जी ये गारंटी चुनाव के समय देखे गए कि मैं राजस्थान की रेटों को यूपी के बराबर करवाएंगे, तो हम उसी विश्वास में हैं कि बहुत जल्दी रेट कम होने वाली है जो 2-4 दिन। धौलपुर में 40 लाख रुपए की लागत से बनाई गई 2.25 किलोमीटर की सड़क 10 दिन बाद ही उखड़ने लगी। सड़क बना रही एजेंसी का वर्क ऑर्डर पूरा होने से पहले सड़क के उखड़ने को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। नई सड़क के वर्क ऑर्डर पूरा होने से पहले ही सड़क के उखड़ने को लेकर ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र के जसपुरा गांव से कुसेड़ा त्यागी गांव तक करीब 2.25 किलोमीटर तक की सड़क को 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बना रही एजेंसी के कार्य का निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सड़क बना रही एजेंसी ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। एजेंसी का कार्य खत्म होने की तिथि से पहले ही सड़क से डामर और गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। ग्रामीण अजमेर सिंह त्यागी, कृष्णा सिकरवार, आकाश भास्कर, बच्चन सिंह कुशवाहा, थान सिंह भूरी सिंह ने बताया कि अधिकारियों से अनदेखी की वजह से कार्यकारी एजेंसी ने सड़क बनाने में गठिया माल का उपयोग किया है, जिसके चलते जिस जगह भी डामरीकरण किया गया है वहां से गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। मामले को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधीक्षण अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि सड़क उखड़ने को लेकर उनकी जानकारी में मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि मामला सामने आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। संसार सिटी कॉलोनी में कार्यवाही कर गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ओडेला रोड स्थित संसार सिटी कॉलोनी में 2 युवकों के हथियार के साथ खड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर एएसआई जानकी नंदन को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस को देखकर भाग रहे दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी में पुलिस को दोनों युवक के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिल गया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवकों के पास से अवैध हथियार मिलने के बाद आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक दीपक उम्र 23 साल पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी जगरियापुरा और रिंकू उम्र 20 साल पुत्र रामप्रसाद निवासी संसार सिटी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार की खरीद फिरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सट्टे की खाई वाली करते मुलजिम गिरफ्तार, 2575 रुपए सहित 17 उपकरण किए बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में पूरे जिले भर में चलाए जा रहे अवैध जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कल देर रात को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सट्टे की खाई वाली करते हुए मुलजिम शैफ अली पुत्र सलीम जाति मुसलमान निवासी बेड़ल पाड़ा सरमथरा को सती के चौक से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस द्वारा उक्त मुलजिम के कब्जे से 2575 रुपए सहित सट्टा उपकरण भी बरामद किए हैं। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, अशोक सिंह, जसवंत सिंह, समुन्दर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़ी द्वारा डॉक्टर शिवदयाल मंगल के आवास पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा एवं अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी मुन्ना लाल मंगल, बाड़ी पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल रीजनल संयुक्त महासचिव प्रांतीय संस्कार प्रमुख सरोज मंगल, शाखा उपाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल गोयल,
जिला शाखा समन्वयक हरिओम बंसल, शाखा कोषाध्यक्ष गोविंद गर्ग, महिला प्रमुख ऋतु सिंगल, शाखा सचिव दीपक सिंगल एवं कार्यक्रम संयोजक मोहर सिंह मीणा ने माँ भारती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया। शाखा उपाध्यक्ष ने सभी को शाब्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही कार्यक्रम संयोजक मोहर सिंह मीणा ने पधारे हुए सभी पदाधिकारी और अतिथियों का तिलक एवं दुपट्टा उड़ाकर स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में बाड़ी पीएमओ डॉक्टर हरिकृष्ण मंगल ने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला और शाखा द्वारा आयोजित रक्तदान के लिए सभी का बहुत बहुत आभार जताया। कार्यक्रम में रीजनल संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने भी अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में कुल 36 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में बाड़ी की जनता के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। निजी विद्यालय नेवी पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के संचालक धारा सिंह पचौरी के द्वारा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश बुधोलिया, सरपंच गोल्डी शर्मा तथा उपसरपंच सचिन दीक्षित सुरोठी एवं ट्रस्ट अध्यक्ष रवि पचौरी व डॉक्टर अमरीश पचौरी का स्वागत किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नागरिक अमरीश पचौरी तथा रवि पचौरी द्वारा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसको लेकर सभी सदस्यों ने सहमति दर्ज की। साथ ही युवा वर्ग द्वारा अच्छे कार्यों की सराहना की गई तथा आगे अध्यक्ष के चुनाव के बारे में भी विचार विमर्श किया गया, जिसके लिए 10 मार्च को शाम के समय सभी बंधुओं को उपस्थित होने की अपील की गई। श्री सनाट्य ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी के स्वागत सम्मान समारोह के अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष रवि पचौरी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश पचौरी, समिति अध्यक्ष मुकेश बिधोलिया, परशुराम शोभा यात्रा 2023 संयोजक हिमांशु शर्मा, कोषाध्यक्ष सचिन दीक्षित, प्रखंड अध्यक्ष बिहिप महेश भटेले, नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, सतीश पुजारी, ऋषभ भारद्वाज, भोलू जगरिया, संजय मुदगल, अवधेश शर्मा, चंद्र प्रकाश, अरुण शुक्ला, बिजो रामनिवास, विनोद शर्मा, डैनी पंडित, सुभाष शर्मा, अविनाश, लोकेश, मनोज, प्रमोद बनवारी आदि मौजूद रहे। आज नेवी पब्लिक विद्यालय संचालक श्री धारा सिंह पचौरी के द्वारा सर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष एवं युवा कार्यकारिणी का स्वागत किया गया, जिसमें सभी ने यह निश्चित किया कि अब समाज में बहुत बढ़ चढ़ का कार्य होगा और जिसके लिए हमने मनिया थाना पुलिस ने चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। कार्यवाही के दौरान ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। आरोपी प्रतिबंधित चंबल बजरी भरकर आगरा की तरफ जा रहा था। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन पर जिले में ऑपरेशन अरावली अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक चंबल नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर आगरा की ओर जा रहा है। जिस सूचना पर पुलिस ने सुआ का बाग पर नाकाबंदी शुरू कर दी। पुलिस की नाकाबंदी को देखकर ट्रैक्टर ड्राइवर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर छोड़कर भाग निकला। थाना प्रभारी ने बताया कि घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र की वजह से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर दिया गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर भागे ट्रैक्टर ड्राइवर पहचान कराई जा रही है, जिसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर के महिला थाने में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराने के साथ मामले की जांच SC ST एक्ट के CO को सौंपी है। थाने में मामला दर्ज कराते हुए पीड़िता की मां ने बताया कि करीब 2 साल से महिला और उसके पति अलग अलग रह रहे हैं। पति और पत्नी के अलग अलग रहने के दौरान उनकी 16 साल की नाबालिग पति के साथ रह रही थी। महिला ने बताया कि महाशिवरात्रि को उनकी नाबालिग बेटी पिता को छोड़कर मां के पास पहुंची, जहां नाबालिग बेटी ने अपनी मां को बताया कि धौलपुर शहर में किराए पर रह रहा एक युवक एक महीने पहले नाबालिग को बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में परिजनों को बताने पर आरोपी युवक ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग द्वारा मां को
को रेप की जानकारी देने के बाद महिला ने थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल करा दिया है, जिस मामले की जाँच SC ST सेल के CO को सौंपी गयी है। आज कुशवाहा समाज जिला भरतपुर की मीटिंग रुदावल वाले हनुमान जी पर जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में की गई। संचालन महेश चंद्र ठेकेदार तहसील अध्यक्ष रुदावल ने किया। उपस्थित सदस्यों में परशुराम कुशवाहा, सेवला राम प्रसाद कुशवाहा, चल जिला कोषाध्यक्ष राम स्वरूप उर्फ पप्पू कुशवाहा, जिला महामंत्री तोताराम कुशवाहा, खानवा के सरपंच शैली कुशवाहा, सामूहिक विवाह सम्मेलन के कोषाध्यक्ष विजय भान कुशवाहा, सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष रूप सिंह कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, नगला वाली गोपाल सिंह कुशवाहा, महाराज सिंह कुशवाहा, माखनलाल कुशवाहा, दुर्ग सिंह कुशवाहा, तोताराम रतिया, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कुशवाहा, सुरेश चंद्र कुशवाहा, हरिसंघ कुशवाहा, पूर्ण भगत जी नगला, छत्री दशरथ कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, मदन कुशवाहा, दाताराम कुशवाहा, लोकेंद्र, भूदेव, वासुदेव, गुरुदयाल, वीरेंद्र, अन्य कुशवाहा भाइयों की 10 मई अखत तीज 14वां सम्मेलन हनुमान जी रुदावल में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां कार्यकारियों का गठन किया गया।